अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी बंगाल रिएक्शन। गाइस माय नेम इज हसन आसिफ एंड आई एम अहमद लतीफ एंड टुडेस वीडियो टाइटल इज पाकिस्तानी बसेस वर्सेस बांग्लादेश बसेस 2021 की ये वीडियो 2021 की ये वीडियो कंपैरिजन होने वाली है, बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। हमने बांग्लादेशी हसन बसेस तो देख ही ली हैं, आप नो डाउट, आप मतलब कंपनीज पे कंपनीज है बांग्लादेश के अंदर, नो डाउट बांग्लादेश के अंदर जो लग्जरी बसेस है उसकी कमी नहीं है। नॉन एसी बसेस भी हमने बहुत देखी, ऊपर से रेसिंग भी हसन उनकी कई बसेस की हमने देखी, डबल डेंजरस जो है ना वो ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हमने लग्जरी बसेस देखी, जैसे ग्रीन लाइन भी एक लग्जरी लाइन जो कि काफी मुझे जबरदस्त ग्रीन लाइन लगी लग्जरियस बस में। और उसके बाद जो मुझे सबसे फास्ट डेंजरस बस लगी वो लगी मुझे हनीफ बस, हनीफ और सकूरा। तो गाइज अब देख लेते हैं इस वीडियो में कंपैरिजन होने वाला दोनों बसेस का, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इसके बाद भी मजे की डिस्कशन करेंगे कि हमारी जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बदला है या नहीं बदला। तो विदाउट एनी डिले गाइज वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू है चैनल को तो जल्दी से कर दो यार, हमारी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल। तो मैं जा रहा हूँ नहीं यार, मानना जो हमारे व्यूवर्स हमें 200 के करीब हमें सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट बसेस को बांग्लादेश की पब्लिक और प्राइवेट बसेस के साथ। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हां जरूर। पाकिस्तान में 260,000 टोटल बसेस हैं। डेली राइडरशिप 17 मिलियन पैसेंजर्स हैं। पाकिस्तान में 650 टोटल बस कंपनीज हैं, 1,000 टोटल बस स्टेशंस हैं और पाकिस्तान अपनी बसेस को चाइना और जापान से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में चाइनीज और जापानीज ऑटोमोटिव कंपनीज के असेंबली प्लांट्स भी हैं। अच्छा, में 1 लाख टोटल बसेस हैं। डेली राइडरशिप 9 मिलियन पैसेंजर्स हैं। बांग्लादेश में 250 टोटल बस कंपनीज हैं, 650 टोटल बस स्टेशंस हैं। बांग्लादेश अपनी बसेस को इंडिया, चाइना, जापान और यूरोप से इंपोर्ट करता है। जापान और यूरोप से। इसके अलावा बांग्लादेश में इंडियन और जापानीज ऑटोमोटिव कंपनीज के असेंबली प्लांट्स भी हैं। इंडिया के भी हैं। गवर्नमेंट बसेस इन पाकिस्तान। ईरानी की बात है। गवर्नमेंट बसेस। गवर्नमेंट बसेस जी। हां जी। पेशावर बीआरटी, पंजाब मेट्रो बस। पंजाब मेट्रो है जी ये। हां जी, जियो है। ये तो पेशावर वाली है ये तो। मतलब दो हैं। हां। जो सरकारी से दो ही हैं, एक मेट्रो है बस। एक लाहौर की, एक पेशावर की है। ग्रीन बस। गवर्नमेंट बसेस इन बांग्लादेश। मेट्रो। अच्छा ये बीआरटीसी। ये भी जस्ट लाइक मेट्रो है। ये दो बसेस को कैसे, मतलब ये जस्ट लाइक मेट्रो लेकिन ओल्ड बसेस होगी। ओल्ड बसेस। हां। ये देखिए डबल डेकर। डबल डेकर। ये चीज है अभी बांग्लादेश के अंदर, डबल डेकर। बांग्लादेश की ये मुझे चीज अच्छी लगती है। आपको ओल्ड भी टच मिलेगा और मॉडर्न भी। नंबर 1 इकोनॉमिक क्लास। ये पाकिस्तान के अंदर जो क्लासेस हैं। 2 स्लीपर क्लास। Number 3 executive class. Executive class, okay. Number 4 business class. इसमें तो काफी है। Number 5 gold class. Gold class में कभी सफर नहीं किया यार। Number 6 luxury class. ओह, इसमें भी नहीं किया। Available bus classes in Bangladesh. इसमें green line है। Number 1 AC bus. Number 2 non AC bus. Number 3 business class. Number 4 first class. Number 5 business class. Number 2 non AC bus. Number 3 business class. Number 4 first class. Number 5 fast mover. Number 6 new khan. Number 7 shahid coach. Number 8 ITC cruiser. नंबर 9 सानिया एक्सप्रेस। ये कब चलती है अभी? नंबर 10 कोहिस्तान का पता है, कोहिस्तान जो है। टॉप 10 प्राइवेट बस कंपनीज इन बांग्लादेश। नंबर 1 रॉयल एक्सप्रेस। ये भी काफी अच्छी है। नंबर 2 ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। नंबर 3 हनीफ एंटरप्राइज। हनीफ एंटरप्राइज माय फेवरेट। नंबर 4 लंदन एक्सप्रेस। लंदन एक्सप्रेस। नंबर 5 ईना। ये भी काफी डेंजरस है ये भी ड्राइविंग में। नंबर 6 सऊदीया ट्रैवल्स। सऊदीया। अच्छा। नंबर 7 देश ट्रैवल्स। देश ट्रैवल्स पहली बार। नंबर 8 नेशनल ट्रैवल्स। ये भी पहली बार सुना है। नंबर 9
नंबर 9 शामोली परिपान, इसका सुना है शामोली। नंबर 10 सुहाग, इसका भी पता है, ये काफी डेंजरस ड्राइविंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कंपेयर किया इसमें एक बस मिस कर दी बांग्लादेश की पब्लिक और प्राइवेट बसेस को। वीडियो अच्छी लगी गाइस? वीडियो तो काफी गाइस अच्छी लगी, मजेदार लगी है। आप लोगों को भी काफी जबरदस्त ये वीडियो लगी होगी। तो दो जगह पे हमने एक जो है ना इनके फॉल्ट को सेट करना है, सबसे पहले हम फॉल्ट सेट करते हैं। इन्होंने अब जो टॉप कंपनी थी इसमें स्कूरा बस को मिस कर दिया जी। हमने जितने रिएक्शन वीडियोस दिए हैं हसन बसेज को, उसके अंदर लोगों की 3 से 4 बसेज का नाम कंटिन्यूसली आते हैं, ईना, हनीफ, स्कूरा, और कहा जाता है ग्रीन नहीं रेसिंग में, रेसिंग में ग्रीन लाइन आगे नहीं है, रेसिंग में हनीफ और सुहाग और ईना और हो गया ये स्कूरा। और आपको पता स्कूरा की कितनी ज्यादा डिमांड आ रही है कि इस पे रिएक्शन दे। तो आपने रिएक्शन भी दिया सर, उसका नाम नहीं आया सर, ये ज्यादती की है इस बंदे ने, मतलब इनको शायद पता नहीं होगा ना सर्च में। वीडियोस देखते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, इसलिए पता है, इसलिए हमें पता है, हमें पता लग गया बांग्लादेश का ऐसा तो पता चल रहा है कि प्राइवेट कंपनीज। एक मिस की थी इन्होंने यार वीडियो के अंदर, एक और चीज मिस की थी, स्लीपर क्लास। अच्छा इन्होंने जो क्लास दिखाई ना, स्लीपर क्लास, बिजनेस क्लास, एसी क्लास, लोअर क्लास, पाकिस्तान की सारी दिखाई, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की स्लीपर क्लास नहीं दिखाई जिसपे हमने रिएक्शन भी दे दिया है। एग्जैक्टली माँ जैसे बता रहे हैं, माँ कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन जो एक कंपनी है बहुत ज़बरदस्त है, रॉयल एक्सप्रेस भी कंपनी, इन दोनों ने स्लीपर क्लास इंट्रोड्यूस करवाई बांग्लादेश के अंदर रिसेंटली, तो उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। हम इनको भी नहीं कह सकते गलत, बिकॉज एक्सप्लोर करना एक अलग आर्ट है, उन्होंने अपनी, कर रहे हैं अपनी उन्होंने ट्राई की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके रिएक्शन हसन नासिर और माद लतीफ देने वाले हैं, जिनको हर कंपनी के बारे में पता है, जिनको पहले ही पता है कौन सा मिस कर दिया इन्होंने। अच्छा मुझे माद सबसे ज्यादा पसंद ग्रीन लाइन है, लग्जरी एक्सप्रेस में रॉयल एक्सप्रेस पसंद है। आपने क्यू कनेक्ट का नाम लिया यार पाकिस्तान में? जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो आप जरूर YouTube पर सर्च कीजिएगा क्यू कनेक्ट। आपको पता है बांग्लादेशी व्यूअर्स को डाइवो का पता पाकिस्तान के अंदर? डाइवो जो है पाकिस्तान के अंदर काफी बड़ा नेटवर्क है गाइस, ये हमारे सिटी से पूरे पाकिस्तान में ही घूमते हैं। फैसल मूवर्स भी गाइस काफी लग्जरी हो चुका है, फैसल मूवर्स, डाइवो और क्यू कनेक्ट जो हसन ने बताया, जबकि बांग्लादेश के अंदर ग्रीन लाइन हो गई और हनीफ हो गए, इनकी जो एसी लग्जरी बसेज हैं हसन, सुहाग, रॉयल एक्सप्रेस, बांग्लादेश भी जो लग्जरी बांग्लादेश, और इसमें जो अमाउंट की हमने बात देखी उसमें पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट डबल बसेज हैं, क्योंकि पॉपुलेशन का भी शायद इशू है। पॉपुलेशन का हमारा ऐसे है कि पॉपुलेशन तो करते हैं ना पाकिस्तान, पाकिस्तान में पॉपुलेशन हाँ। बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ कंपनीज काफी ज्यादा, कंपनीज ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है, इसलिए शायद बसेज की अमाउंट भी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश का एरिया काफी छोटा है, हाँ इस हिसाब से शायद इसलिए उनको इतनी बहुत जबरदस्त है, लेकिन फिर भी उनकी कंपनीज काफी अमाउंट में और खुद बना रही है, ये सबसे जबरदस्त बात है हसन। और हमें एक न्यू इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है कि पाकिस्तान के अंदर भी बन रही है बसेज कुछ, ये हम इस पर रिएक्शन भी देंगे अगर हमें कुछ मिल गई तो। अच्छा सबसे ज्यादा मुझे हैरानगी की बात रहेगी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अच्छा हाँ। बांग्लादेश के अंदर भी इंडियन वाले जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान तो इंपोर्ट करते हैं जस्ट चाइना, जापान, मोस्टली चाइना, बट ये चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज एंड सर India. आपको पता होगा शायद कि बांग्लादेशी जापानीज कार्स के बसेस के बहुत फैन हैं। वो जैसे कि जस्ट लाइक एक बंदे ने कहा था हमारी कार्स यूज होती है 99% जापानीज जी, 1% जो अदर है। और आपको पता प्रोटोन कंपनी और पता नहीं कितनी कितनी जापानीज कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैंने प्रोटोन पे बना दी है, आप जरूर गाइस जाके देख लें, रिसेंटली एक दो दिन पहले ही आई है, लेकिन आज वीडियो देख के पाकिस्तान के अंदर भी काफी अब स्टार्ट हो गई है, लेकिन दुआ करते हैं हमारे भी ऐसी असेंबलिंग स्टार्ट हो जाए काफी कंपनीज की जैसे बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हो गई इंशाल्लाह। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे दुआ करते हैं, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, नो डाउट। तो गाइस हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे बल्कि हम जानना चाहते थे, हम इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे थे, तो हमें दोनों की जो है ना जबरदस्त डाटा लगाया और हमने एंजॉय किया इस वीडियो को exactly. और हमें उम्मीद है आपने भी इस वीडियो को एंजॉय गाइस जरूर किया होगा, अगर किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।